जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार व्यवसाय पे थोड़ा असर पड़ा है, व्यापार थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि लोगों को जो समझने में जीएसटी के जो प्रावधान है वो समझने में बड़ी काफी कठिनाई आ रही है। पहले जैसे 2 लाख रुपए के ऊपर सरकार ने कहा था पैन कार्ड अनिवार्य है बिल बनाते समय, और अब उनने नया नियम अभी आया है कि 50,000 अगर के ऊपर का अगर बिल बनता है तो ग्राहक का केवाईसी लेना जरूरी है। तो हम जब 50,000 से ऊपर का बिल बनता है और ग्राहक से जब केवाईसी की डिमांड करते हैं तो ग्राहक डरता है। ग्राहक इसलिए डरता है कि कहीं व्यापारी अगर इनकम टैक्स के कब्जे में आए तो ऐसा नहीं हो कि मैं इनके कारण मैं फंस जाऊं। तो व्यापारी ग्राहक को थोड़ा इसमें से डर लगता है, तो ग्राहकों का डर खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो व्यापारी को कोई तकलीफ थोड़ी है हमको केवाईसी अटैच करने में, तकलीफ ग्राहकों को होती है। केवाईसी का जो नियम 2 लाख रुपए का है उसी को कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों उस दायरे से डरते हैं, क्योंकि अभी डर लोगों के मन में इनकम टैक्स वालों ने खत्म करना चाहिए। तो और जो प्रावधान जो इनने 7-7 दिन का 1-1 महीने का रिटर्न का रखा उसको वापस 3 महीने का कर देना चाहिए। आपका नाम है? अविनाश शास्त्री, सचिव सराफा एसोसिएशन इंदौर। मार्केट में माहौल तो इस समय जो है काफी कमजोर है। जीएसटी के बाद में अभी फिलहाल तो जो है बिजनेस में कमी आई है, परंतु आने वाले समय में जो है इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। भाई 3 महीने के रिटर्न की सुविधा तो जो है व्यापारियों के लिए सुविधाजनक है, परंतु साथ ही कितनी ही बार जो है कि वेबसाइट वगैरह काम नहीं करती है, तो वेट के समय कि 30 दिन की मोहलत मिलती थी व्यापारियों को रिटर्न फाइल करने के लिए, उस समय जो है कि आसानी से रिटर्न फाइल भी हो जाते थे और सारा काम भी व्यवस्थित हो जाता था। इस बार जो है कि 10 दिनों में सारा मतलब सीए पर भी लोड बढ़ गया, व्यापारी पर भी लोड बढ़ गया, तो समय भी नहीं मिल रहा है। अब दीपावली के त्यौहार की तैयारी करें या रिटर्न फाइल करें। धनतेरस दिवाली के बीच में इंदौर में करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का बर्तन व्यवसाय होता है। जैसा हर साल रहता है अगर वैसा रहे तो कोई व्यापारी को परेशानी नहीं है, बाकी अभी के माहौल को देखते हुए लगता नहीं है कि ऐसा मतलब पिछले गत वर्षों जैसा माहौल रहेगा।